so that I can join citizens early in the morning is the fact that this is an initiative that is leading and led by citizen participation. There's nothing more wonderful than being proactive citizens of society. And I'm really, really proud because I think when we talk of Me For My City, we talk of two things. One, that ghar sundar ho to bahut achha lagta hai, lekin jab shahar aur desh sundar ho jaye, to phir shanti aur aman ka jo ehsaas ho, wo aur bhi badh jata hai. I think we underestimate the impact and the feeling that you get when you are surrounded by beauty and nature. It really, really improves everybody's state of mind. So if you want to be happy, then make this wall. And spread cleanliness and beauty and joy. And Diya, I think we are talking about the cleaners. दो चीज़ें समझ में आ रही है कि देश भर में एक मुहिम की शुरुआत हो चुकी है जिस मुहिम का हिस्सा देश के जो निवासी हैं वो जुड़ गए हैं इस मुहिम से क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और स्वास्थ्य से ही हमारी प्रगति हो सकती है तो जो पर्यावरण और वातावरण की सुरक्षा है उस स्वच्छता है वो हमारे स्वास्थ्य बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है तो माएँ ये बात समझ गई हैं बच्चे इस बात को समझ चुके हैं तो एक जो पार्टिसिपेशन है सिटीज़न पार्टिसिपेशन वो हमें देश भर में नज़र आने लगा है और मी फॉर माई सिटी एक ऐसा कैंपेन है जो लोगों को साथ लेकर आता है एक जो वॉल आर्ट से हम एक यूनिटी ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ सुंदरता भी बढ़ा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पार्टिसिपेशन का यू नो की शुरुआत हो चुकी है और लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि जब तक कि हम अपने खुद के शहरों का माहौल नहीं बदलेंगे उसको और स्वच्छ नहीं बनाएंगे और सुंदर नहीं बनाएंगे हरियाली नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो सुकून की ज़रूरत हर इंसान को होती है खुश रहने के लिए एक अच्छा एहसास पाने के लिए वो नहीं होगा दिया जी आप क्या संदेश देना चाहती हैं दिल्ली वासियों के लिए देशवासियों के लिए कि स्वच्छता किस तरह से जरूरी हो और क्या कर रहे हैं स्वच्छता के मैं यही कहूंगी कि हम सब मेहनत करते हैं शिद्दत से काम करते हैं लगन से काम करते हैं और काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े हमारी लाइफ अच्छी हो हमारा परिवार खुश रहे सुखी रहे स्वस्थ रहे लेकिन अगर इस कोशिश में हम अपने शहर को अपने देश को भूल जाएंगे और जो ज़रूरतें हैं हमारी स्वच्छता की पर्यावरण की सुरक्षा की अगर इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो ये जो बाकी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेंगी क्योंकि अगर स्वास्थ्य हमारा ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाते पुराना एडेज है ना हेल्थ इज़ वेल्थ कि अगर स्वास्थ्य हो तो सब कुछ हो लेकिन आप जानते हैं कि देश दुनिया में 14 सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में हैं वो क्यों है क्योंकि इसलिए सिर्फ नहीं क्योंकि गवर्नमेंट्स ने हमको किसी लेवल पे फेल किया है लेकिन क्योंकि नागरिक के तौर पर भी हमें और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमारे पर्यावरण को लेके और हमारे वातावरण को लेकर और अगर हम सब इस बात को समझ जाएँ क्योंकि हम इस बात के जानकार हैं सदियों से हमारे देश में हमेशा से इस एहसास को हम लेकर आगे बढ़ते आए हैं कि हमारा जो जीवन है वो पर्यावरण से अलग नहीं है उससे जुड़ा हुआ है मुंबई में रहती हैं दिल्ली में क्या नज़र आता है आपको मुंबई में दिल्ली में स्वच्छता को लेकर देखिए दोनों शहरों में बहुत आबादी है मुंबई में ज़्यादा लोग रहते हैं ज़्यादा लोग बसते हैं और फ़र्क ये है कि दिल्ली में हरियाली ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि आई थिंक अभी भी काफ़ी एरियाज़ हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैं और लोग पेड़ नहीं काटने देते ये थोड़ा अनफॉर्चुनेटली मुंबई में नहीं हो रहा है कोशिश हमारी सबकी ये है कि मुंबई में भी हम हरियाली बढ़ाए रखें और स्वच्छता के बारे में जब हम बात करें तो बहुत काम करना बाकी है एक चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं नागरिक के तौर पे एज सिटीजन्स वी कैन स्टार्ट सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्स हम घर पे अगर हमारा कचरा
अलग करना शुरू कर दें, जो किचन का कचरा है उसे अलग रखें, जो सूखा कचरा है उसे अलग करें, और जो म्यूनिसपैलिटी की ट्रक आती है उनको सूखा कचरा दे, और कोशिश करें अगर आपकी छोटी सी ग्रीन पैच है, गार्डन है, पार्क है, कुछ भी है, तो आप कॉम्पोस्टिंग शुरू कर देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी बात जो हम सब बड़े आसानी से कर सकते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का उपयोग करना बंद कर दें। ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉज हैं, प्लास्टिक के बोतलें, फोक, स्पून्स, स्टरर्स, प्लेट्स, इनका उपयोग बंद कर दें, क्योंकि जितना पर्यावरण को ये नष्ट कर रही हैं वो शायद ही कुछ कर रहा हो इस वक्त। आप अभी भी देख लीजिए बाहर सड़क पे आपको प्लास्टिक ही नज़र आएगा। तो ये तो आप और मैं बड़े आसानी से कर सकते हैं।